साथियों देखो, अभी हम फ़ोन कर दिए हैं, जो कि हम लोग फ़ोन कर दिए हैं 112 नंबर पे। अभी प्रशासन अभी तक नहीं आया सर। हम लोग अंदर घर में अकेले परेशान हैं। ए भीम भीम भैया, ए साहब जी, उठिए ना जल्दी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे आप बस बाहर जाओ। ए भैया, अरे खोलो, खोलिए। अरे विशाल है हम। खोलिए खोलिए थोड़ा दरवाजा। देखिए साथियों, स्टूडियो हम लोग जैसे आग लगा वैसे जो है कि हम लोग जाग गए उस पर, जो है कि तुरंत प्रशासन को फोन किया गया और आया लोग, बुझाया गया, उत गया है। और ये स्थिति है, हम लोग अंदर सोते थे और हम लोग को जान से मारने की साजिश थी, लेकिन हम लोग बच गए। और आप हम लोग को न्याय दें, हमारा बहुजन समाज हमको सपोर्ट करें, धन्यवाद। ये स्टूडियो है। साथियों जो है कि अभी आके लोग चले गए, बोल रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है कहीं से जो है कि हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे अकेले हैं और सपना जी बैठी हैं। कल सुबह का मतलब आज 30 अक्टूबर को ही आप लोग सुबह 10 बजते गाजीपुर के नौनहरा बाजार में आप लोग जयभीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर आएँ और यहां से चल के हम लोग थाना पे तहरीर देंगे और जो भी होगा उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगा। आप मेरा सपोर्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल सुबह 10 बजते हमारे गाजीपुर जिला के इर्द गिर्द के जितने साथी होंगे सभी लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे। जो दूर के साथी है वो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हमारे गाजीपुर जिला के जितने साथी हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग गाजीपुर के नौनहरा बाजार में जरूर पहुँचेंगे, धन्यवाद। तो साथी, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आज सुबह 10 से पहले आप लोग गाजीपुर के नौनहरा बाजार में पहुँचिए। थाना नौनहरा बाजार में हम लोग आज बात करेंगे कि जो हम लोग का 3 दिन पहले जो एप्लीकेशन दिया गया था उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और ये जो घटना घटा है स्टूडियो पे हमारा झंडा जो जला गया है उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे और उसका भी जो कि FIR दर्ज कराया जाएगा। साथियों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल सुबह 10 बजे से पहले गाजीपुर के नौनहरा बाजार थाना पर आप लोग आएंगे जयभीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आकर हम लोग का हेल्प करें और कल आप लोग 9 से 10 बजे तक आ जाइए हमारे स्टूडियो पे नौनहरा गाजीपुर में, धन्यवाद। जी साथियों, अभी आप लोग को पता है कि कई दिनों से हम लोग को परेशान किया जा रहा है और आज हम लोग रात में सोए थे, 2 बजे के आसपास हम लोग के बाहर कुछ आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग नहीं केयर किए। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद हम लोग के जो छत पे जो स्टूडियो पे लगा है फ्लैक्स झंडा लगा है वो सब जलने लगा। हम लोग जो है कि 112 नंबर फ़ोन किए और प्रशासन आई और उसके बाद शॉर्ट सर्किट बता करके कि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है और शॉर्ट कर गया है बता करके फिर लिख करके चली गई है। और हम अपने सुरक्षा के लिए 3 दिन पहले अपना एप्लीकेशन दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है साथियों। और आगे का वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टूडियो पर जो कि जल रहा है, और आप थोड़ा सा देख लें उसके बाद हम बात करते हैं। साथियों, ये जो है कि माचिस का तिल्ली भी यहाँ पे है और ये प्रशासन बोल रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट कर गया है और ये जला है पोस्टर, ये सब झंडा पंचल जल के गिरा हुआ है। और ये बाबा साहब का झंडा जो है कि ये कटा हुआ है, जला, ये देखिए सब जल गया है, ये सब लंबा में झंडा गड़ा हुआ था ये सब जल गया है। और उसके बाद देखिए
ये सब जल गया है, ये सब बोल रहा प्रशासन की शॉर्ट सर्किट है। देखिए ये पंचशील झंडा की दशा हुई है, पूरा जल गया है। यहाँ पर इतने बड़े शहर में एक हमारा ही एक यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा लगा रहता है और यहाँ पे लोगों को कुछ नहीं देखा गया। और हमें जो कई दिनों से धमकी आ रही है गाना पर, और देखिए आज आज मेरे स्टूडियो को सामने का पोर्शन जलाया गया है। देखिए देखिए ये सब जलाया गया है सामने से, देखिए सब जला के जल जल के नीचे गिरा हुआ है। देखिए उसके बाद ये पोर्शन गिरा है, देखिए सब जल जल के गिरा हुआ है सब नीचे का। साथियों देखो अभी हम फोन कर दिए हैं, जब कि हम लोग फोन कर दिए हैं 112 नंबर पे, अभी प्रशासन अभी तक नहीं आया सर। हम लोग अंदर घर में अकेले परेशान हैं। ए भीम भीम भैया, ए साहब जी उठिए ना, जल्दी थोड़ा सा देख लो। अरे आप बहुत बाहर जाओ जाओ। ए भैया खोलो, अरे विशाल है हम, खोलिए खोलिए थोड़ा दरवाजा। जी साथियों अभी आप लोगों को पता है कि कई दिनों से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, और आज हम लोग रात में सोए थे 2 बजे के आसपास, हम लोग के बाहर कुछ आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग नहीं केयर किए। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद हम लोग के जो छत पे जो स्टूडियो पे लगा है फ्लैक्स झंडा लगा है वो सब जलने लगा। हम लोग जो है कि 112 नंबर फ़ोन किए और प्रशासन आई, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट बता करके कि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है और शॉर्ट कर गया है बता करके फिर लिख करके चली गई है। और हम अपने सुरक्षा के लिए 3 दिन पहले अपना एप्लीकेशन दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है साथियों। और आगे का वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टूडियो पर जो है कि जल रहा है, और आप थोड़ा सा देख लें उसके बाद हम बात करते हैं। कल सुबह का मतलब आज 30 अक्टूबर को ही आप लोग सुबह 10 बजते गाजीपुर के नुनहरा बाज़ार में आप लोग जयभीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर आएँ, और यहाँ से चल के हम लोग थाना पर तहरीर देंगे, और जो भी होगा उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगा। आप मेरा सपोर्ट करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल सुबह 10 बजते हमारे गाजीपुर जिला के इर्द गिर्द के जितने साथी होंगे सभी लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो दूर के साथी हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारे गाजीपुर जिला के जितने साथी हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग गाजीपुर के नुनहरा बाज़ार में ज़रूर पहुँचेंगे। धन्यवाद। साथी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आज सुबह 10 से पहले आप लोग गाजीपुर के नुनहरा बाज़ार में पहुंचिए, थाना नुनहरा बाज़ार में हम लोग आज बात करेंगे कि जो हम लोग का 3 दिन पहले जो एप्लीकेशन दिया गया था उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और ये जो घटना घटा है स्टूडियो पे हमारा झंडा जो जला गया है उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे और उसका भी जो कि FIR दर्ज कराया जाएगा। साथियों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल सुबह 10 बजे से पहले गाजीपुर के नुनहरा बाज़ार थाना पर आप लोग आएंगे जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आकर हम लोग का हेल्प करें, और कल आप लोग 9 से 10 बजे तक आ जाइए हमारे स्टूडियो पे नुनहरा गाजीपुर में। धन्यवाद। साथियों जो है कि अभी आके लोग चले गए, बोल रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है कहीं से जो है कि हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे अकेले हैं और सपना जी बैठी हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।